मैं प्रोफेसर डॉक्टर डी राम आप लोगों को कोरोना जो वायरस जिसने सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, हर आदमी घर में बंद हो गया है, बाजार बंद हो गए हैं, व्यापार बंद हो गए हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, कल कारखाने बंद हो गए हैं, स्कूल कॉलेज विद्यालय यूनिवर्सिटी बंद हो गई हैं, सिर्फ डॉक्टरी चिकित्सा के प्रतिष्ठान खुले हुए हैं और जरूरी सामानों को लेने के लिए जो ग्रॉसरी या दूध दही की दुकानें हैं वही सिर्फ मार्ग खुली हुई हैं और हर आदमी जो कमरे में बंद हो गया है वो ये सोचने के लिए बाध्य हो गया है कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस एक एमआरएनए वायरस है। ये एमआरएनए वायरस दिसंबर 2019 में चाइना के हुबेई प्रांत में वुहान नामक सिटी के अंदर सबसे पहले कुछ रोगियों के अंदर 3-4 रोगियों में फेफड़े या निमोनिया का शिकार हो गया था। 10 दिन बाद जनवरी 10 के लगभग उनको ये पता चला कि ये एक तरह का वायरस है, क्योंकि उसमें उन डॉक्टरों ने उन रोगियों के ब्रोंकोस्कोपी कर उनका जो ब्रोंको एलियोवेलर लेवेस जो निकाला था उससे जांच करके आरटीपीसीआर माध्यम से पता लगाया कि ये बीटा कोरोना वायरस है। ये बीटा कोरोना वायरस एक तरह से जो पहले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस सार्स की जाति से मिला हुआ था और इसको सार्स कोव 2 के नाम से जाना गया। यही सा वायरस ने काफी मौत की थी लगभग आज से एक दशक डेढ़ दशक पहले। इसके बाद मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर भी एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस ने अटैक किया जिसका नाम था एमईएस वायरस, जिसने सिर्फ मिडिल ईस्ट एशिया को ही आक्रमित किया था। अब ये जो वायरस एम वायरस एमआरएनए वायरस है, इनवेलप वायरस है, इसके ऊपर एक तरह का आवरण इसके अंदर इसको कवर करके रखा हुआ है। अब ये देखा गया कि ये वायरस में जो रोगी होते हैं उनको उसी तरह के लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार आना। उसके बाद ऐसे रोगियों को ज़्यादातर सूखी खांसी होती है, मगर सूखी खांसी के साथ जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि ऐसे रोगियों को सूखी खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और वो सांस नहीं ले पाते हैं, उनको भूख भी नहीं लगती है और वो अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। यही लक्षण सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, मगर इसके साथ इसके अंदर कफ ज़्यादातर नहीं निकलता, पर कफ निकल सकता है, नज़ला भी हो सकता है, छींक भी आ सकती है और रोगी को भूख नहीं लगती, रोगी बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। इसके साथ कुछ रोगियों को ऐसा भी देखा जाता है कि वो सूंघने की जो शक्ति है और टेस्ट करने की जो शक्ति है उनकी खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, माने पतली टट्टी की, और हम उसकी प्रतीक्षा करें कि उसमें कोई लक्षण नहीं आए और फिर टेस्ट करके देखें कि उसमें पहले अगर टेस्ट पॉजिटिव है और उसके बाद वो नेगेटिव आ गया है तो ऐसे व्यक्ति के साथ बाद में कोई भी तरह के मिलने से हमें ये संक्रामक रोग नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे देश में हर जगह टेस्ट करना संभव नहीं है, इतनी टेस्ट किट नहीं है, टेस्ट करने वाले इतने लैब नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें 14 दिन से 21 दिन तक अपने घर में बंद होकर रहना पड़ेगा और हमें उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने घर में सिर्फ बंद ही नहीं हों। हम बंद होने का मतलब यह है कि हम अपने आप को 1-2 कमरे में रखें, हम ज़्यादातर अपने मास्क का व्यवहार करें और मास्क को नाक मुंह ढकें और हम
इसके ढकने का कारण यह पाया जाता है कि यह देखा गया कि यह वायरस कैसा पैदा हुआ यह पता नहीं चला। ऐसा पाया गया कि जो लोग सी फूड और एनिमल मार्केट में रहने वाले थे लोग थे या जिन्होंने वहां का भोज्य पदार्थ खाया उनको ये वायरस चाइना में वुहान सिटी में ज्यादा हुआ। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये बैट से, चमगादड़ से और चमगादड़ के साथ एक वहां का एक जानवर होता है पोलिंग्यून, उनसे होते हुए ये आया। मगर अभी ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है, आदमी से यह जानवर में नहीं फैल रहा है और कोई जानवर भी ऐसा नहीं है जिस जो इस वायरस को फैला रहा है। ये वायरस हवा में तैर के नहीं फैलता है, हवा में तैरने के लिए इसको जल की कुछ बूंदे या फिर धूल का कोई कण चाहिए। यानी जो रोगी हो उसके नजदीक में आप आए और उसके सांस से निकलने वाले जो ये कीटाणु है, ये वायरस है, आपकी सांस की नली में जाए, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, उसके द्वारा ये फैल सकता है। दूसरा ये भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में वुहान में लगभग 1,00,000 लोग अफेक्टेड हुए और 3,00,000 लोग मर गए, 3,000 लोग मर गए, इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि ये वायरस हमारे आसपास, हम जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, बेड, बिस्तर या अपनी चेयर या अपने बैठने, उठने, सोने के स्थान पर जहां भी जाते हैं, खाने के स्थान पर जाते हैं, वहां भी हमारे छींकने से, हमारे सांस लेने से यह वायरस निकलकर ड्रॉपलेट के रूप में वहां फंस जाता है। और फिर हमारे हाथों के द्वारा ये होता हुआ, क्योंकि हम अनायास ही हाथ को अपने मुंह नाक पे बहुत ज्यादा लाते हैं और हम लाते रहते हैं या आंख भी मलते रहते हैं, इससे यह वायरस हमारे सांस की नली में पहुंच जाता है। इसलिए इसके प्रिकॉशंस के लिए सबसे बड़ा उपाय बताया गया है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसको ट्रीटमेंट करने वाली कोई दवा नहीं है, इसलिए बताया गया है कि आप हर समय मास्क पहनें, मास्क को नाक और मुंह ढक के रखें, आंखों पर भी चश्मा लगा लें और आपके जो हाथ हैं उसको आप 60% अल्कोहल, क्योंकि इतनी मात्रा की जो अल्कोहल होती है या स्प्रिट होती है उसमें यह वायरस मर जाता है, उससे बार बार हाथ धोएं। अगर हमारे पास अल्कोहल नहीं है तो हम एक 500 लीटर पानी में, एक आधे लीटर पानी में, 500 ml पानी में, एक भगोने में एक मच्चिस की डिब्बी के बराबर ब्लीचिंग पाउडर भर के उसको डाल लें और उस घोल से भी हाथ धो सकते हैं, हम अपने साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, और ये हाथ अगर हम धोते रहें तो हमें ये वायरस लगेगा ही नहीं। हमें इससे बचने के लिए चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है, और ऐसे तो सरकार ने जो भी इन दिनों एक महीने में बाहर से व्यक्ति आया है उसका एयरपोर्ट पर ही उसका थर्मल टेम्परेचर लिया है, और थर्मल टेम्परेचर जब नॉर्मल मिला है तो ही उन लोगों को भारत में आने दिया है। फिर भी कुछ लोगों ने पैरासीटामोल टेबलेट खाकर अपना टेम्परेचर कम कर लिया और कनिका कपूर के जैसे बिना बताए वो साधारण पब्लिक में मिल गए। इसलिए ये वायरस हमारे फैलने का डर है, इसीलिए हमारी शक्ति है और टेस्ट करने की जो शक्ति है उनकी खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, माने पतली टट्टी, तो ये मान के गया, और रोगी के सारे शरीर में दर्द होता है और ज्वाइंटों में भी दर्द हो सकता है, मगर इतना दर्द नहीं होता जैसा कि चिकनगुनिया में होता है। बुखार भी 100 या 101 से ज़्यादा नहीं होती जैसे कि इन्फ्लुएंजा में होता है। इन्फ्लुएंजा के अंदर काफ़ी हमें नज़ला हो जाता है, नाक से पानी बहता है, गले में खरांस या सोर थ्रोट हो जाता है, वैसी शिकायत इसमें हो सकती है मगर कम होती है। मगर सबसे बड़ी मूल बात इन्फ्लुएंजा, सार्स या MES2 वायरस के साथ इसका अंतर यह है कि वो सब वायरस हमारे नाक और ऊपरी छाती या ट्रेकिया तक ही रहते हैं, मगर ये वायरस हमारे लंग में फैल जाते हैं और लंग के अंदर जो सेल होती है जिसको न्यूमोसाइट्स कहते हैं, उसमें उनके इंडोथेलियम में और उन पर एक AC2 रिसेप्टर नाम का एक रिसेप्टर होता है, उस पर जाके बैठ जाता है। मगर ये इसके इसलिए चूंकि ये लंग को इन्वॉल्व कर लेता है और लंग को इन्वॉल्व करने के बाद दोनों तरह के
दोनों दो तरफ हमारे जो लंग है दोनों को आक्रमित करता है और धीरे धीरे ये वायरस फिर हार्ट को अटैक कर लेता है और फिर किडनी फेल्यूर करा देता है। इसके साथ लीवर और ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाती है जिससे मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है और उसके बाद रोगी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर रखना पड़ सकता है और उसमें ARDS हो जाता है। ARDS हो जाने से हमें वेंटिलेटर में पीप के माध्यम से लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेटर देना पड़ता है। मगर ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे रोगियों की संख्या जो बहुत ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम 5% के लगभग है। 20% के लोगों को सिर्फ सांस का कष्ट होता है, 20% को सिंपल बुखार खांसी आती है और उसी से ये ठीक भी हो जाते हैं, मगर 80% लोगों को ये सब देखने के लिए नहीं मिलता, कोई तरह का लक्षण ही नजर नहीं आता। ये इस वायरस की सबसे खूबसूरत बात है। और ऐसा पाया गया है कि जिनकी उम्र 80 से बरस है वुहान सिटी में, उनमें कम से कम 14% लोगों की मौत हुई, मगर जो 20 से बरस से कम उम्र के हैं उनमें ये मौत का आंकड़ा बहुत ही नगण्य 0.5% के जितना है। और जो 39 से 50 वर्ष के उम्र के लोग हैं उनमें भी ये 4% है और 50 वर्ष से 80 वर्ष में ये लगभग 5% के लगभग रहता है। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर वायरस संक्रमित जो लोग होते हैं वह स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। आज तक इसकी कोई दवा नहीं बन पाई है और न ही इसकी कोई वैक्सीन भी मिली है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमें अपने आप को सबसे दूर अलग रखना पड़ेगा। और इस वायरस की एक खूबी और भी ये भी है कि ऐसा देखा गया है कि वह वायरस जिस रोगी को हो जाता है उसको रोगी के लक्षण आने के 2 दिन पहले से लेकर लगभग 7 दिन और कुल मिलाकर 14 दिन तक ये वायरस एक रोगी से जिसमें भी वो संक्रमित हुआ है उसमें लक्षण हो या ना हो दूसरे रोगी को फैलाता है। तो हम ऐसे रोगियों से, ऐसे कोई भी संक्रामक जिसको ये वायरस का लगा हो उससे हम 14 दिन तक उसको अलग रखें।